आज के व्लॉग में तो मैं आप लोगों को सारा कुछ डाइनिंग टेबल से रिलेटेड दिखाने वाली हूँ कि कैसे मेरा डाइनिंग टेबल आया, कैसे मैंने उसको घर के अंदर बनाया, और फिर मैंने कुछ शेन से चीज़ें ऑर्डर की थी टेबल की डेकोरेशन के लिए, और फिर उसको फुल डेकोरेट किस तरीके से किया। तो जल्दी से आए, स्टार्ट करते हैं, मज़े का व्लॉग होने वाला है, आपने एंड तक देखना है। खुल ही नहीं रहा था तो, लेकिन अनबॉक्सिंग आप लोगों के सामने कर रहे थे। मैंने क्या क्या ऑर्डर किया, घर की चीज़ें ही हैं। सबसे पहले ये तो खैर मेरी है, ये मैंने आर्टिफिशियल कुछ नेल्स ऑर्डर किए थे। ये मैंने एक बंच ऑर्डर किया था, ये देखिए बड़ा प्यारा है, ये मुझे खुद भी भूल गया। ये मैंने किए हैं डाइनिंग टेबल की, ज़्यादातर डेकोर की चीज़ें हैं और बड़ी अच्छी क्वालिटी की हैं। ये नहीं है ये देखिए, ये वो नैपकिन जो है होल्डर्स हैं, कैंडल्स होंगी। आप तो अपना खुद ही पैसे लगा के ऑर्डर करते हैं, लेकिन ये खोल के इतना मज़ा आता है, ऐसा लगता है आपकी अपनी गिफ्ट आई है चीज़ें। ये चेक करें कितनी प्यारी, ये मैंने डाइनिंग टेबल पर रखने के लिए कैंडल्स ऑर्डर की हैं। क्रिस्टल वाली ये भी यही है, ये मैंने ऑर्डर किए हैं कुशन कवर्स, क्योंकि मेरा वाइट सोफ़ा है तो इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। मतलब आप शीन से अपनी घर की देखें तो, ये मैंने तीन ऑर्डर किए थे। ये भी वही कैंडल है, ये कॉफ़ी टेबल के लिए ऑर्डर किया था। ये भी कुछ, ये जो टोकरी है ये इसकी, अच्छा ये मैंने ऑर्डर की थी, ये भी मैं आपको सेट करके दिखाती हूँ, तो इनकी क्वालिटी भी अच्छी है। एक मैंने ये वॉज ऑर्डर किया था, लेकिन ये प्लास्टिक है, क्योंकि मेरा सारा जो थीम है वो ऑफ वाइट और वाइट में है। ये सोप के लिए, ये भी उसी तरह की बकेट है, और एक ये वॉज है, ये भी प्लास्टिक है लेकिन देखने में नहीं लगता कि प्लास्टिक है। तो ये क्या है, ये ऐसे इसको बाहर को खींचेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से बना, आप इसके अंदर फॉर्म वगैरह रख सकते हैं। तो यहाँ मैंने पूरा डाइनिंग टेबल खोली और उसको बनाना स्टार्ट कर दिया है। अगर आपको एक कुर्सी बनानी आ गई ना, तो आपके लिए बाकी सारी कुर्सियाँ बनाना बहुत आसान है। तो मैंने आपको शीन का की चीज़ें भी दिखा दी हैं जिसके लिए मैंने ऑर्डर की थी। तो चलें आपको जल्दी जल्दी से मैं दिखाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि यहाँ पर आपको बाहर रहते हुए हर चीज़ खुद बनानी पड़ती है अगर आप ऑनलाइन चीज़ें ऑर्डर कर रहे हैं। तो ये मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था, तो घर आ गया था, बहुत अच्छी क्वालिटी का था। तो चले मैं जल्दी से बनाती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। ये जितना आप लोगों को वीडियो में देख के आसान लग रहा होगा, बनाना इतना आसान नहीं था। मुझे भी जब मैंने स्टार्ट किया मन का वो बड़ी जल्दी से बन जाएगी, लेकिन पहली जो दो चेयर्स थी ना वो वाकई ज़रा मुझे मुश्किल हुई बनाने में, लेकिन जो बाकी सारी थी ना चार, वो मैंने बड़ी फटाफट से बना ली थी। और जो टेबल था वो काफ़ी हैवी था, तो वो भी मैंने बाद में बनाया था, उसकी सिर्फ अगर टांगें जोड़नी थी तो वो इतना मुश्किल नहीं था बनाना।
और यहाँ जब चीज़ आती है तो उसकी बहुत अच्छी इंस्ट्रक्शन साथ दी गई होती है, और हर चीज़ बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने अलग अलग बॉक्सेस में दी होती है ताकि बनाने वाले को भी मुश्किल ना पेश आए। तो ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी भी है, जिस तरह पाकिस्तान में तो ये है कि वो घर पे आके यहाँ आपका बना बनाया ही फर्नीचर आता है, लेकिन यहाँ पे आपका जब आप खुद से अपने हाथ से काम करते हैं ना, तो उसका मज़ा ही अलग है। और जब मैं बना के रख देती हूँ ना, फिर मैं उसको हर एंगल से आके देखती हूँ कि ये चीज़ कहाँ से कितनी अच्छी लग रही है, कि इतनी आपको एक सेटिस्फेक्शन होती है कि आपने ये चीज़ खुद बनाई है। और ये देखें, ये बाकी ये देखें, इस तरीके से ये एक चेयर की टांगे देखें कितने अच्छे तरीके से उन्होंने दी हुई हैं, कि दो साथ अटैच थी, दो अगली जो थी वो अलग से दी हुई हैं। तो ये देखिए, ये इस तरह स्क्रूज जो दिए हुए हैं पूरी फिट होती है के, और उसके ऊपर नंबर्स दिए होते हैं ए बी सी डी ई एफ इस तरीके से, तो आपको पता होता है कि आपने कौन सा नंबर जो है वो कहाँ पे ऐड करना है। और इसके साथ एक आती है एलन की, जिसे आप ये पेज पे घुमाते हैं, वो ज़रा मेरे लिए टफ था पहले, तो बैठ के मैं करती रही, तो उसके बाद जब मैं उठी फिर मुझे पता चला कि मेरे कमर के साथ क्या हालात हो चुके हैं। और एलन की से जो आपके ये हाथों के अंगूठे हैं ना, ये दुखते हैं क्योंकि वो आपने इन दो उंगलियों के साथ ही उसको घुमाना होता है। ये देखिए जी, बन गई है फाइनली एक चेयर, और अभी मुझे छः मतलब टोटल 6 हैं, 5 और बनानी है, तो टाइम लग जाता है काफ़ी। तो मैं सारी आपको बना के कंप्लीट करके ना फिर दिखाती हूँ। तो ये अगले दिन की क्लिप है, क्योंकि उस दिन मेरे बस हो गई थी, मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने तो आप लोगों को दिखानी थी जब सारी चेयर्स बना ली थी। तो ये जब डाइनिंग टेबल पूरा बन गया था, तो मैं उसके ऊपर ये नैपकिन होल्डर्स के साथ आपको ज़रा सिखा दूँ। इसके वजह डिफरेंट तरीके से होते हैं, आप किसी भी स्टाइल में इसको बना के रख सकते हैं। तो ये देखें, इसको आपने इस तरीके से ये देखें इस तरह ट्राइंगल शेप में देना है, और फिर सारा आपने नीचे से जो कपड़ा है उसको इस तरह एक एक करके जो है इकट्ठा करते जाना है, और फिर आपने होल्डर लेके उसके अंदर से इसको गुजार देना है। तो ये देखें, एक आपका ये स्टाइल बन गया है। तो इसी वीडियो के अंदर मैं आपको देखिए कितनी सारी वैरायटी दे दी है, डाइनिंग टेबल बनाने से लेके डाइनिंग टेबल सेट करने तक। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने किस तरीके से अपना जो है वो डिनर सर्व करने के लिए आप प्लेटें लगा सकते हैं। तो एक साइड पे आपने स्पून रखना है, एक साइड पे फोक रखना है, ऊपर आप नाइफ रखते हैं, और नैपकिन होल्डर मैंने आपको बनाना सिखा दिया है। तो उसके साथ आप एक अच्छा सा कोई बीच में कैंडल स्टैंड भी रख सकते हैं, साथ आप अपना जो है कोई ये कोई भी डेकोरेशन पीस, जिस तरह मैंने ये रखा हुआ है, ये जो मैंने ये शीन से ऑर्डर किया था ये बंच। तो ये देखें, ये फाइनल लुक मैंने आपको मन का सोचा दिखा दूँ। तो ये कैंडल मैंने ज़ारा से ली हुई है, और वो पेंटिंग्स मेरी खुद की बनाई हुई हैं। तो ये देखें, ज़बरदस्त सा डाइनिंग टेबल रेडी है खाने के लिए।